हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम काफ़ी गड़बड़ हुआ था स्ट्रीम में, बट होप आज सब ठीक रहेगा। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और हम लोग जल्दी चैलेंज लेना शुरू करेंगे। आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। वॉइस का कंफर्मेशन एक बार दे दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत दिक्कत हुआ था। वैसे आज भी वेदर बहुत गड़बड़ है बाहर, तो देखते हैं कि कितनी देर तक ये लाइट नहीं जाएगी या कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम वॉइस मेरी सही आ रही है कि नहीं थोड़ा बताएंगे, तभी हम लोग शुरू। हाँ, आज सही आना चाहिए। कई दिन से हमारा सॉफ्टवेयर भी बहुत परेशान कर रहा था, तो आज एकदम ठीक होना चाहिए है शायद। शंकर जी वेलकम। काफ़ी सारे नए पुराने सभी तरह के लोग दिख रहे हैं और काफ़ी सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कुछ और लोग जुड़ते जाएंगे हम लोगों के साथ में, और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से इसे ख़त्म करें। देखिए पहला चैलेंज जो है अथर्व केड़िया जी ने भेजा है, ये बहुत देर से चैलेंज करके रखे हुए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंड चैलेंज जो है सिद्धांत कबाड़िया जी का है, तो ऐसे ही खेलते जाएंगे, सबको खेलने का मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए। शुरू करते हैं। चलिए, अथर्व के वाइट हैं और हमारे ब्लैक हैं, फोर से शुरू किया है इन्होंने। C6 खेलते हैं इनके साथ केरोकान। मैं बहुत सारी ओपनिंग्स खेलता हूं, तो कुछ भी हो सकता है यहां पर। ऊपर लाइन चूज उन्होंने एक्सचेंज वेरिएशन, बट ये नाइट C3 मुझे अच्छा नहीं लगता इस लाइन। नाइट F6 कभी कभी जरूरत पड़ती है इस नाइट को पीछे लाने के लिए। पिन कर दिया है हमारे, लगता है कुछ गेम देखें लगता है इन्होंने। अभी तक तो सारी लाइन ठीक खेल रहे हैं, ये 2 नाइट वेरिएशन कहलाता है, बट कैसल तो नहीं होती है इसमें, उन्होंने कर लिया है, कैसल कर लेता हूँ जल्दी से। वैसे बिशप बी तो पिन करना चाहिए था। कैसल अभी तक पोजीशन सब इक्वली है, कोई वाली है, सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है। चलिए इन्होंने तो D4 पे प्रेशर आ सकता था, कैसल के बाद D4 पे प्रेशर आना था, क्योंकि बिशप इनटू F3 हो रहा था। फिर देखिए इन्होंने D4 पे खुद ही प्रेशर इनवाइट कर लिया, ये प्रेशर मैंने नहीं डाला, ये इन्होंने खुद ही इनवाइट कर लिया है। लेकिन इनका पॉन स्ट्रक्चर तो ख़राब हो गया सबसे पहले, तो एक छोटा सा एडवांटेज हमें मिलेगा कि इनका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। किंग साइड में वीक हो गया, बट इन्होंने देखिए पॉन ही दे दिया, ये क्या किया अथर्व जी, एक पॉन ही फ्री में दे दिया, और मेरा पॉन स्ट्रक्चर भी बहुत सॉलिड है, सो कोई वीकनेस अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रही है। बिशप को सेव कर लेते हैं, बिशप काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रेशर बना के रखा हुआ है B2 तक भी, तो अभी आगे चल के हम रुक B8, वॉट इज दिस इज नॉट डन। ये बहुत ही ख़राब चाल है, इन्हें लग रहा है कि ये पिन है, बट ये भूल गए हैं कि इनकी क्वीन पर भी अटैक है, और ऐसा करने से सिंपल एक पीस अप हो गया, तो मुझे लग रहा है कि पहला गेम तो हमारा जल्दी ख़त्म होने वाला है। देखिए एक पीस अप हो गए हम लोग, हमारे पास एक बिशप एक्स्ट्रा है। अब बताइए इसको रुक से मारें या किंग से मारें, कोई सजेशन दीजिए। आप लोग थोड़ा बताते रहिए हम लोगों को बीच में, तो हम भी देखें कि आप लोगों को कुछ इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिद्धांतन, हाँ मैं तो काफ़ी सारे गेम खेलता हूँ आपके साथ, आप तो हर दिन मेरे साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। निंजा थोड़ी जी, सबको मौका मिलेगा, सबको मिलेगा चांस। E3 तो रुक B8 कर लेते हैं, B2 पर प्रेशर बनाते हैं। संसेजपाल जी A5 कर लेते हैं, आइडिया है कि ऐसे करेंगे हम लोग A4 A3 और इस पॉन को वीक बनाएंगे, इन्होंने खुद ही कर लिया। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है ना, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि हम लोग ये रुक E4 ऐसे करके आ सकते हैं, पड़ेगा, टाइम बहुत कम बचा है।
चांद कपाड़िया जी, चार किंग क्या है तुषार जी, ये पॉन फ्री मुझे लगता है, और पॉन ले लेते हैं। अरे जोशी जी भी आ गए, वाह वाह, वेलकम वेलकम, सब लोग आ रहे हैं, सब लोगों से मोह छोड़ा नहीं जाता है खेलने का। अच्छा मेरे मन में एक बहुत अच्छा प्लान आया है कि आगे चल के क्यों ना हम लोग जो है आप लोगों के गेम भी बीच में एनालाइज करें। सो अगर आप लोगों को ये सजेशन अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताइएगा, तो हम लोग ना व्यूवर्स के गेम्स भी जो है एनालाइज करेंगे, ताकि इन लोगों का गेम थोड़ा इम्प्रूव हो। मुझे लग रहा है कि ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, व्यूवर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, कि जितने आप लोगों का गेम इम्प्रूव होगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। स्टडी एक्सपर्ट वेलकम, इनका यूट्यूब चैनल है, जरूर देखिए सब लोग जाके स्टडी एक्सपर्ट का। बट ये मुझसे टाइमिंग मांगते रहते हैं, तो टाइमिंग बता पाना मुश्किल है, टाइम बहुत कम बचा है। सो किंग को जल्दी से ले आते हैं, हालांकि F5 करने से पॉन ही मर जाता। अब कर लें क्या? नहीं, ऐसे फिर F5 करेंगे और मारेंगे, अब मार लेते हैं, क्योंकि तो अब इनका किंग जो है G5 नहीं आ पाएगा। अगर मेरे वॉइस में कोई दिक्कत होती है तो बीच में बताइएगा, क्योंकि जो है ये ध्यान नहीं रहता है, खेलते खेलते जो है मैं डूब जाता हूँ खेल में, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चलता। तो आप लोग अगर ऐसा चाहते होंगे तो आप लोग अपनी गेम मुझे ईमेल कीजिएगा, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए स्टिलमेट का ट्राई कर रहे हैं, बट हम इनको स्टिलमेट नहीं होने देंगे, मैट नहीं होने, सिंपल कोई नहीं बना लेते। चलो भैया फ्री मूव थोड़े से, वैसे मैं कम चल पाता हूँ बट ट्राई करता हूँ चलने के लिए, हो रहा है तो फ्री चल देते। के मामले में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, फ्री मूव मैं इतने बेहतर तरीके से नहीं चल पाता। चलिए सो पहला गेम हो गया, सेकंड गेम हम लोग सिद्धांत कपाड़िया जी का लेंगे। सिद्धांत कपाड़िया जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और लास्ट टाइम जो हमारा स्ट्रीम थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसकी वजह से लग रहा है कि आज काफ़ी जितने प्लेयर्स हर दिन आते हैं उतने नहीं आए हैं, और साथ ही जो है स्टेट का सिलेक्शन भी चल रहा है काफ़ी सारी जगह, तो ये एक दूसरी दिक्कत ये भी है, इसलिए भी हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स नहीं आ पाए हैं। स्टेट का सिलेक्शन चल रहा है, सभी स्टेट्स में चल रहा है, क्योंकि नेशनल बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप में से भी कोई अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर खेलें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आप अपने स्टेट एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। चांद कपाड़िया जी आप रोज़ ये पॉन मुझे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं भाई, इतना गिफ्ट क्यों देते हैं? थोड़ी और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों से भी बोलिए जो चेस खेलते हैं कि भाई सर के चैनल पे आइए, थोड़ा देखिए सीखिए। बिल्कुल ठीक है ऋषभ, आपके साथ भी खेलेंगे। सिंपल चेस ही खेलते हैं, जो कि मुझे पसंद है वही काम करते हैं। लॉन्ग कैसल वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लॉन्ग कैसल, वाह तो थैंक यू बोल देते हैं, हम तो खुद पोजीशन ओपन करना चाहते थे, कर दी तो इसके तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा, और एक पीस भी दे दिया। अरे कपाड़िया जी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, और जब अच्छे प्लेयर्स के गेम एनालाइज होंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। बिल्कुल सबके साथ खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, को भी जो है हम लीव नहीं करने वाले हैं, सभी के साथ खेलेंगे। बट हमने 1.5 घंटे का ही सेशन रखा है, तो जितने मैच उतनी देर में हो पाएंगे उतने ही खेलेंगे, ज़्यादा वो नहीं स्ट्रेस करेंगे, और ये हमारा सेशन चलता ही रहेगा आगे भी, तो आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, सो आप लोगों को भी मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है कि जिनका गेम हो जाता है वो चले जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, देखते रहिए, आपको दोबारा भी चांस मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी केवल जो है 10 प्लेयर्स जो है 12 प्लेयर्स के कम हो गए, 11 प्लेयर्स मुझे चैलेंज कर रहे हैं। चलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, अगर आप हार रहे हैं तो रिज़ाइन कर दीजिए, ताकि जो है दूसरे प्लेयर को मौका मिले। तेजी स्लेयर्स ये जो है काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तुषार खिलवानी जी इनका नाम मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तुषार आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, बढ़िया, थोड़े इनका ओपनिंग चॉइस कुछ अलग ही रहता है, ताकि जो है प्लेयर पे प्रेशर डाल सकें। बट
कुल मिला के इनकी प्रिपरेशन तो अच्छी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने खुद नोटिस किया है, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी। वैसे मैं डी मूव खेलना चाहता था बट फिर समहाउ मैंने डी फाइव मूव खेल दिया यहाँ पर। अरे सभी के साथ खेलेंगे जोशी जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आइडिया प्ले चलिए, अभी आगे चल के मुझे लग रहा है ऐसे अटैक करेंगे H3 F5, ये फेवरेट अटैक्स हैं। कर लेते हैं गेट खेल F7 क्योंकि 8 भी खेल सकते थे बट उससे मुझे लग रहा है कि F7 पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता था क्योंकि रुक भी अटैक कर रहा है, नाइट भी फ्यूचर में आ सकता है। करते हैं ऐसे देखते हैं करके, ब्लैक को तो वैसे भी क्वीन साइड में खेलना है, वाइट किंग साइड में खेलने वाला है, कुछ हमें क्वीन साइड में कोशिश करना चाहिए कि या कुछ काउंटर अटैक मिल जाए। नाइट डी था ऐसा आइडिया तो देख, पूरा ध्यान इनका यहीं पर लग रहा है, रुकी फाइनली पहले ही कहा था कि ये कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, कर दिया। अभी तो ये F5 नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास है साइड से मार लेंगे इसको। ये मूव तो अच्छी नहीं रही क्योंकि तो F5 करने का प्लान करना चाहिए था, ये अच्छी नहीं। अब अगर ये H6 भी तक भी पहुंच जाए तो मुश्किल होगा इनको, ये मूव इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। पानी जी तो आपने चल बहुत देर हो, बाप रे टाइम तो बचा ही नहीं है मेरे पास, मैं ध्यान ही नहीं दिया, टाइम इतना कम हो गया है। टाइम भाई वाकई में बहुत ज़्यादा कम रह गया है, बच गए बाल बाल। मैट का प्लान बना रहे हैं, ये कर भी सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड, चलिए ठीक, बहुत अच्छा खेले क्रेजी स्लेयर जी। वैसे नाइट F2 चेक आ रहा था बट आप बहुत अच्छा खेले और टाइम से आपने मुझे हरा दिया है। अक्षत निंजा हथौड़ी जी का चैलेंज कैसे ऊपर आ गया भाई। मयूरेश पटेल जी, मयूरेश देसाई जी अपना चैलेंज सही कीजिए, 2+1 कीजिए जी, अपना चैलेंज प्रॉपर कीजिए, बधाई हो आपको। बहुत अच्छा गेम आपने खेला, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने बहुत टाइम ले लिया,
हथौड़ी जी, आज हम सबके साथ खेलने वाले हैं। बीच में हम जब साइमुल खेल रहे थे तो हमने रेटिंग का कुछ क्राइटेरिया लगा रखा था कि भाई इतने से ज़्यादा के प्लेयर हम नहीं लेंगे, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आज जो है सभी लोग खेल सकते हैं। आज रेटिंग की कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी प्लेयर जो है आज खेल सकता है। खेलते बहुत फास्ट है भाई, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट खेल। सोच लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा कर है कि नहीं, बचा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बचा ही लेते हैं, बचा लेते हैं। नाइट काफी खराब कंडीशन पर ठीक, थोड़ा रिस्क ले। नाइट ई लेते हैं, क्या हो रहा है पहले से, पहले बिट हैं। टाइम बहुत कम हो गया मेरे पास, बात करते करते टाइम कम हो जाता है। वही जो आपने अभी मैसेज बोल भेजा है इसी को लाइव चैट बोलते हैं। सो आप मैसेज भेज सकते हैं गेम के बीच में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी को मज़ा भी आता है ऐसा करने से। कौन वापस दे, ये मूव मैंने बहुत सारी जगह देखी है। अगर छोड़ नहीं रहे, चाल लगाते रहते बार बार, अच्छी बात है। आज थोड़ा ठीक खेल रहे हैं लगता है निंजा हथौड़ी जी। टाइम चलिए मेरे बराबर आने वाला है। आशीष सोनी जी, हाँ जी मैं पहचान गया आपको आशीष सोनी जी, थैंक यू, वेलकम। आइए, थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने लोग जब आते हैं तो। आप लोगों को भी मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए कोई जान पहचान वाला कोई आया है। ये मुझे प्रेशर बना रहे हैं लगता है, धीरे 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 प्रेशर बना रहे हैं। ये चार इन्होंने ठीक खेली, मुझे तो लग रहा है कि इनको टू के डी वन खेलना चाहिए था, तो नाइट डी का इनका जो थ्रेट है वो रिन्यू हो जाता और थोड़ा प्रेशर बनता मेरे ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी जगह अटैक हो रहा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। टाइम बहुत कम बचा है और इनका नाइट कहाँ जाएगा पहले ये देख लें, कहीं नहीं जा रहा, तो ये ट्रैप हो गया कुछ। तो इनका एक नाइट मर गया फाइनली, बहुत नाइट इन्होंने घुमाया। मैं पहले भी बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, वेलकम वेलकम। आसाम से देखिए एक प्लेयर आ गए हैं हमारे साथ, ये भी खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और मुझे बहुत इनवाइट करते रहते हैं, सर मेरे इस टूर्नामेंट में खेल लीजिए, इस टूर्नामेंट में खेल लीजिए, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। रोनाल्डो जी, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। कल खेल लेते हैं, बहुत हो गए, पॉन को अब हटा ही लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और एक पास्ट पॉन क्रिएट करते हैं। काफ़ी देर हो गई है, हम भी अपने नाइट को थोड़ा सा घुमाते हैं इधर उधर और फाइनली देखिए डबल अटैक लग गया और मेरे पास टाइम ज़्यादा था। वाह, चलिए सेजपाल जी, तेजपाल जी का ही नंबर था उस समय, ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। सोनी जी आप भी चैलेंज कीजिए। देखिए इस बार मैंने ये टाइम कंट्रोल इसलिए रखा है कम टाइम का, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर के साथ खेल पाऊँ। लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे प्लेयर खेल नहीं पा रहे थे, तो वो बड़े मायूस थे कि हमें सर के साथ खेलने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए जो है आज मैंने ये टाइम कंट्रोल रखा कि सबके साथ खेलने का मौका मिले। अब इन्हें काफ़ी मुश्किल होगी क्योंकि ऐसी लाइंस में अक्सर बड़ी दिक्कत होती है। सोच नाइट डी सिक्स आ रहा है चेक,
राइट डी जा रहा था काफी खतरा। कैसल पहले कर लेते हैं, पाल जी ने रोक लिया कि मैं क्वीन ए फाइव चेक देने वाला हूँ फ्यूचर, मैं पहले से एडवांस में स्टॉप कर दिया और जो है इस पॉन पे अटैक लगाना शुरू कर दिया। नाइट बी फोर भी इन्होंने स्टॉप कर दिया, जो आगे अच्छी ऐसी खेल लगता है सेजपाल जी कुछ तैयारी करके आए हैं, देखते हैं उनकी तैयारी कहाँ तक काम करती है। अरे आप लोग मैसेज करते रहिए भाई, बराबर मैसेज करते रहिए और गेम में कुछ मूव्स भी बताइए, थोड़ा अपना सजेशन भी तो दीजिए। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी को खेलने का मौका और भी मिलेगा। आप ये मत सोचिए बस हो गया, लग रहा सीट है क्या, ट्राई करते हैं, जाने का मौका मिल रहा है हमको। कि मैं कराना चाहता हूँ नाइट इनटू फेस भी कर मिल सकता है, नहीं किया इन्होंने सारी दिखाई। ये भी बहुत बढ़िया, सारे मेरे आइडियाज बंद, कौन वापस ले लेता हूँ। अग्रवाल जी, खुश अग्रवाल जी क्या भेज रहे हैं आप हमें, नहीं क्या टच हो गया, अरे टाइम बहुत कम हो पास, अचानक टाइम कम होना चाहिए। स्टॉप कर देंगे, पता नहीं सही चाल है कि नहीं, बस मैंने चल दी, मैंने सोचा थोड़ा प्रेशर लगाते हैं इनके ऊपर। एक्सचेंज तो मिल गया फाइनली, प्रेशर डालने से थोड़ा फ़ायदा तो होता है ये तो पता चल गया। और कोई यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ये बात नहीं, एक्सचेंज तो पहले ले लेते हैं। वैसे हम लोग बिशप सी फोर खेल के भी, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा तब हमारा काम बनेगा। ये तो हमारा प्रोटेक्टेड, इस पॉन को एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा देते हैं ताकि ये चली जाए। टाइम कम हो गया भाई, टाइम बहुत कम हो गया है, टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। ओके अब ये नाइट बोल रहे हैं कि अब मैं नाइट जी फाई कर दूंगा, डरा रहे धमका रहे हैं हमको भाई, क्या करेंगे, डरना ही पड़ेगा। नाइट जी पाई गए फाइनल, फाइनली आ गए, अब मैच सिक्स करूँगा। अरे मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत ही कम बचा है, उसी का फ़ायदा उठा लिया देखो लाल जी ने, टाइम मेरे पास बहुत ही कम। तो डी वाला पॉन बढ़ाना चाहिए, क्या कर रहा हूँ, डी वाला पॉन नहीं बढ़ाएंगे तो पक्का हारने वाले हैं, पॉन पे ही कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। एक प्री मूव मैंने खेला है, पता नहीं ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बाप रे बरसों बाद एक प्री मूव। चलिए फाइनली इनका एक पीस मर रहा था, बट बहुत अच्छे खेले सेजपाल जी, आपका गेम लगता है धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है। द ग्रेट चेस, एक और प्लेयर थे वो कहाँ चले गए बीच में से भाई, बीच में से कहाँ गायब हो गए। चलिए सो ग्रेट चेस प्लेयर से ही खेल लेते हैं, एक प्लेयर और थे बीच को गायब हो गए। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है ऐसा तुषार का कहना है, ये थोड़ी समस्या हमारे साथ चली रही है, मुझे लग रहा है इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा अच्छे से। अभी देखो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है,
बीच में जो है मैं सोचने भी लगता हूँ तो मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आती है, ध्यान जो है उस तरफ चला जाता है पूरा। अभी सही से आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताइए। वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलने वाला है, मैं तो स्ट्रीम करता जाऊंगा, गेम खेलता जाऊंगा। कल परसों ही हम लोगों ने देखा है एक ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस जो है कल परसों ही देखा है। ओ सॉरी, गलत जो है कर रहा था। तो आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम लोग सिंपल, कोई बात नहीं। कर लेता हूँ ना नाइट B5 को स्टॉप करने के लिए, फिर क्वीन C7 चलेंगे यहाँ पर। अरे ये क्या बात हुई, फ्री में मिल गया क्या, ले लेते हैं। लग रहा है क्वीन H4 भी आ रहा है इसके बाद, बात हुई आते हैं। नाइट इंटू फाइव भी नहीं, जा लेते हैं। ओ नाइट B आ रहा है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ओ माय गॉड, द ग्रेट चेस प्लेयर। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट बने रहिए। राज पटेल जी, लुकेश भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लुकेश के साथ मैं पहले खेल लेता हूँ। ये बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं राज पटेल जी, फिर आपके साथ खेलूँ। ये बहुत दिन से ही कर रहे हैं वेट, रोज मुझसे पूछते रहते हैं सर। ओके ओके, तो बफर करने दीजिए, कोई बात नहीं है। वॉइस पर ही आप कंसंट्रेट कीजिए, आवाज़ सही आएगी तो ठीक है। आज वेदर भी थोड़ा गड़बड़ है बाहर। लोकेश भाई जल्दी चल दो, ये रुई लोपेज खेलेंगे, ये रोज़ खेलते रहते हैं मेरे साथ। रुई लोपेज की एक लाइन की इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली है मेरे साथ खेल खेल के। ये देखिए सेम टू सेम, जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, और जो है हमारी स्ट्रीम को लाइक करते रहें, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि जो है नए लोग जुड़ते रहें। और राज पटेल जी, नेक्स्ट टाइम के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास वो आया है प्रपोजल, कि आप लोग अपने गेम, जो भी गेम आप एनालाइज कराना चाहते हैं, वो अपने गेम जो है मुझे भेजें, और हम लोग उनको जो है ऐसे ही यूट्यूब पे लाइव एनालाइज करेंगे। सो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोगों का गेम इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ एक और हम लोगों ने ऐसा स्कीम बनाया है कि आप लोगों के साथ एक दिन क्लास भी ली जाएगी, तो आप लोग जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और सभी की जो है मैं यहाँ पर क्लास लूँगा लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे की, और काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा उसमें, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए ये आनंद की चाल आज मैं खेल लेता हूँ, ये आनंद ने कहीं रखा था मैंने आनंद के गेम में, तो आज इसको ट्राई कर, आज ये होना ही था। इंटरनेट नहीं है, तेरे नेट चला गया था, ये थोड़ी सी समस्या हो गई थी। होप आप लोगों को अभी सब कुछ सही दिखाई दे रहा होगा। इंटरनेट चला गया है, अभी लाइट नहीं है, तो अब तो मैं पूरा ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देने वाला हूँ, बट मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। लुकेश जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम बहुत कम, बहुत ही कम बचा है, क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था नेट जाने की वजह से, कुछ भी अवेलेबल नहीं थी। क्वेश्चन, चलिए फाइनली लाइट तो वापस आ गई है, अब देखते हैं। 26 सेकेंड ही बचे हैं, क्या केस जो है कुछ कर पाएंगे, मुझे हरा पाएंगे क्या, ये देखना होगा।
लाइट आ गई है, सो ऐसे कनेक्ट हो रहा होगा। थोड़ी देर में जब वो कनेक्ट हो जाएगा तब तो उससे करेंगे। अभी जो है मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। लोकेश के यहाँ भी लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? और लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा नेट चला गया है और मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी। मुझे लग रहा है टाइम में जीतने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ने इंटरनेट मेरा चला गया था, लाइट यहाँ पे चली गई है, तो अभी तो लाइट वापस आई बट नेट कनेक्ट होते होते ये जीत गए। सो चलिए लोकेश बाद में खेलेंगे आपके साथ, राज पटेल जी के साथ अभी खेल लेते हैं। राज पटेल जी का नंबर था, अब उनके यहाँ भी नेट है कि नहीं पता नहीं है। और कैजुअल गेम ही लगाइएगा, मैं देख नहीं पाता कि कैजुअल है कि रेटेड है, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो आप लोग जो है कैजुअल गेम ही लगाइएगा। राज पटेल जी शुरू करेंगे कि आपके यहाँ भी लाइट चली गई है? ये गेम मुझे हटाना पड़ेगा लगता है। चलिए पटेल जी के साथ दोबारा खेलेंगे, जब तक दूसरे लोगों के साथ खेल लेते हैं। अक्षत, अक्षत कौन है मुझे पता नहीं है, शायद हमारे यहीं के अक्षत हैं या अक्षत महोबिया हैं लगता है। अक्षत आप वही हैं क्या? अक्षत महोबिया हैं क्या? थोड़ा बताइएगा चैट में। सिद्धमन प्रदीप, साइमुल किसी और दिन करेंगे प्रदीप जी। साइमुल में एक दिक्कत ये होती है कि मेरा नेट प्रॉपर नहीं चल रहा है क्या? साइमुल में एक दिक्कत होती है कि कम प्लेयर के साथ खेल पाते हैं, सभी के साथ खेल नहीं पाते, बाकी प्लेयर्स जो है फिर वेट करते रहते हैं। लाइट चली गई थी तुषार, यहाँ पे लाइट नहीं थी, पावर कट हो गया था, ये जो है गड़बड़ हो गया। दो बार ऐसा हो गया, एक बार पावर कट हुआ, दोबारा जब आया तो नेट नहीं कनेक्ट हुआ। अरे महोबिया जी चले क्या, मेरे यहाँ कोई दिक्कत हो गई है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम सबके साथ जल्दी जल्दी खेल लेते हैं ताकि जो है कोई छूट न जाए और सबको मज़ा आता रहे। और स्ट्रीम में जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए भाई, मुझे कुछ बताते रहिए। लाइट आ गई बेटा, बट जो है नेट कनेक्शन जो है इतना गड़बड़ हो गया था कि टाइम से ही हार गए। चलिए ठीक है। अर्श गुप्त, ये भी मेरे से लगता है रोज रिक्वेस्ट करते रहते हैं अर्श गुप्ता जी, और मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे साइमल में ये शामिल भी होते हैं। तो आप लोग जब मैं साइमल खेलता हूँ तब भी आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, बट उसका टाइम मुझे भी नहीं पता रहता कि कब होगा साइमल, कब नहीं हो पाएगा। जब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है तो मैं एक छोटा सा साइमल क्रिएट कर लेता हूँ, बट उसके लिए मैं श्योर नहीं बोल सकता कि मैं कब खेल पाऊंगा और कब नहीं खेल पाऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए, मेरे फॉलोअर बन जाइए, फॉलोअर अगर आप रहेंगे वहाँ पे तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन जाती है। और तुषार मुझे ये बताइए कि ली चेस पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ली चेस का जो स्ट्रीमिंग होता है वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो थोड़ा मुझे देख के बताइएगा तुषार। या कोई भी जो देख ली चेस को देख सकता है वहाँ पे साइट पे जाके कि वहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो अच्छा रहेगा। ये तो एक पीसी मर गया गुप्ता जी, अर्श गुप्ता, अर्श गुप्ता जी पीस मर गया है आपका। और ये रूप भी मर गया है। अरे नहीं, आपका वाइट दिखा रहा था राज पटेल जी, कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी देर बाद खेल लीजिएगा। आपका वाइट दिखा रहा था, मेरा वाइट होता तो मैं तो चल ही देता। तो देखिए बातों बातों में नाइट लेना मैं वापस भूल गया, एक्चुअली नाइट को वापस लाना चाहिए था। और ये भी लगता है गलत चाल हो गई, कोई ये दो गलत चालें हो गई बातों बातों में, कोई बात नहीं। फिर भी मेरे ख्याल से हम एक पीस तो अप हैं, सो काफी है, काफी है।
हमारा नाइट भी बच रहा था, ये पॉन फॉग भी लगाने की जरूरत। आप लोगों का टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा तुषार और राज पटेल जी? कौन कौन सिलेक्ट हुआ वो देखिए, गलतियाँ हो रही हैं। नाइट ए फोर आ रहा था, बहुत गलतियाँ हो रही हैं। तो आप लोग ना अपने गेम जो भी एनालाइज कराना चाहते हैं ना, वो मुझे अपने ईमेल कीजिएगा मुझे, तो मुझे पता चलेगा, कर लेते हैं सिंपल। अब कुछ बचा नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा बुक अप है, कोई खास बात नहीं है। जितने एक्सचेंजेस होंगे उतने है, नो प्रॉब्लम। रुक भी एक्सचेंज करा लीजिए, मैं और खुश हो जाता। रुक भी एक्सचेंज करा लेते तो ये अच्छा काम किया है। मैं सोच रहा था किंग को कहाँ ले जाऊँ, तो पॉन के कवर में ही ले जाता हूँ, तेरे लिए अच्छा रहेगा। पॉन के कवर में किंग काफी सेफ रहता है, वो भी अपोनेंट का पॉन हो तो ज्यादा सेफ रहता है। मुझे नहीं पता है ये, मुझे नहीं पता है, ये ऑटोमेटिक है सब, मुझे इनका कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। ये शायद कंप्यूटर जैसा कुछ है, तो आपको जो है बीच बीच में वेलकम करता रहता है नाइट बोट। मैं तो सिंपल ही खेलूंगा। मैं तो कुछ भी सिंपल खेलना ही मुझे हमेशा पसंद है। सिंस 1995 मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चेस में सिंपल खेला जाए, जितना सिंपल खेल सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत। आप वैसे ही आराम से जीत जाओगे, तो क्यों कॉम्प्लिकेशन? ओ माय गॉड, झटके वाली चाल है ये। शायद क्वीन बन जाए तो बन जाए। देखो फिर सिंपल वाली चाल ही खेलूंगा मैं। ओके थैंक यू तुषार, थैंक यू। एक्चुअली मैं कई दिन से स्ट्रीम कर रहा था, पर मुझे ये नहीं पता चलता था कि वो वहां पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं ये जानना चाहता था। बिल्कुल आपके साथ खेलेंगे। और ये स्टडी एक्सपर्ट जी का भी एक चैनल है, इसको जरूर आप लोग भी देखिए जाके। हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं देखा है, बट आप लोग चाहें तो जरूर देखिए जाके। और ये बहुत पुराना ट्रिक है मैट करने का। थैंक यू थैंक यू। जो भी नए सब्सक्राइबर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पास ये वीडियो जाएगा और जो है उन्हें देखने मिलेगा। चलिए दक्ष के साथ भी खेल लेते हैं। अरे राज पटेल जी आप कहाँ चले गए भाई, आप चैलेंज कीजिए दोबारा से। अच्छा मैं दक्ष के साथ खेल लेता हूँ। स्टडी एक्सपर्ट जी अननोन सुपर मेरे ख्याल से आपका आईडी है। एक्चुअली दक्ष भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो इनके साथ खेल लेता हूँ मैं पहले। इनके साथ मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, ये ना हमेशा कुछ ना कुछ करके मुझे परेशान करते रहते हैं। मैंने सोचा इनके साथ कुछ नया ट्राई किया जाए। तो कुल मिला के अभी तो अपनी पोजीशन इक्वल तो हो गई, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने इक्वलाइज कर लिया है बहुत ही आसानी से। और थैंक यू दर्श सानी जी, थैंक यू वेरी मच। नो टेक बैक, क्योंकि आप सीखेंगे तभी, हार ज्यादा सिखाती है आदमी को, याद रखिए। जीत से ज्यादा हार से सीखता है। सो आप नेक्स्ट गेम में ट्राई कीजिएगा, मेरे ख्याल से आप रिजाइन कीजिए ताकि किसी और को चांस मिले, और हो सकता है आपको फिर दोबारा चांस मिल सकता है। अरे बहुत पीछे रहे बेटा तुषार, बहुत पीछे रहे। आपका तो गेम काफी अच्छा है, बट ये टाइमिंग आपको सूटेबल नहीं थी, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, शॉर्ट टाइम में आप उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं, मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मुझे भी ज़्यादा टाइम चाहिए। आप देखेंगे मेरे क्लासिकल गेम्स में कितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, बट वैसे रिजल्ट जो है इसमें नहीं आ पाते हैं। क्या बचा है तो खेल मैं, कोई दिक्कत।
कैसल तो कर ही लेते, घर में कुछ काम आ ही जाएगी। तो मैंने भी प्री मूव चलाया, प्री मूव का मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सब लोग आते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए कोई तो देख रहा है हमारी स्ट्रीम को, ये हम लोग बिल्कुल नए नए हैं तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग आना चाहिए। वो मिल रहा है तो ले लेते हैं, ब्लेंडर तो नहीं है मेरे ख्याल से। होना ही था, और ये मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि सर आप नाइट E5 आ जाइए, तो मैं रुक B5 चल दूंगा, बट मैं ऐसा बिल्कुल, मैं सिंपल A6 खेल देता हूँ, अब मैं नाइट E5 आऊँगा, देखते हैं ये कैसे बचेंगे। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अपना कैसल ही गिव अप कर दिया। सो लग रहा है बिशप को भी निकाल लेते हैं, रुक्स को कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा करने के पहले। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कैसल कर लिया। मुझे लग रहा है कि देखिए बीच में ये थोड़ी सी चाल लगा रहे थे कि बिशप S7 कर दूंगा मैं, बट लोगों ने एकदम सिंपल सा ही चेस खेला, और कुल मिला के जो है ठीक ठाक पोजीशन हमारी है अभी, और टाइम में भी हम आगे हैं क्योंकि इन्होंने ब्लंडर कर दिया था। ये ऐसे ही प्लेयर से गलती होती है, ये अपना पता नहीं क्या बचाने के लिए इन्होंने इसको यहाँ चला, और अब जो है इनका रुकी, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बचाने के लिए वहाँ चला था, बट अब देखिए इनका रुकी जो है मर गया है, और पोजीशन भी काफ़ी ख़राब होने वाला। ये बहुत ही ख़राब चाल होगी सानी जी, मुझे तो लग रहा था कि आप रिज़ाइन कर देते, प्लेयर को खेलने का चांस मिल जाता, तो आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, ये लास्ट चांस लेंगे मुझे लग रहा है, इधर से मैट करने का ट्राई करेंगे। माउस स्लिप वैसे नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि ये वाली मूव जो है मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है, तो माउस स्लिप कहना मेरे ख्याल से तो। चलिए मुझे लग रहा है आप थोड़ी स्मार्टनेस कर लिए मेरे इस बिशप को मारने की, बट चलिए मैं आपसे ज़्यादा स्मार्टनेस करने वाला था, बट आपने क्वीन खुद ही दे दी मुझे। अगर आप इसे मारते B7 को, तब भी क्वीन ऐसे ही मरती जैसे मरी, और बिल्कुल ठीक है। चलिए कहाँ गए अननोन सुपर, बिल्कुल आप बहुत देर से बोल रहे हैं, स्टडी सर्कल जी यही हैं, वो भी है अक्षत। अक्षत आपका भी चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था अक्षत, बट आप भी नहीं मूव चले, राज पटेल जी भी मूव चले, बट उस समय लगता है हमारा नेट थोड़ा सा गड़बड़ था, तो आप लोग जो है फिर से हमें चैलेंज कर लीजिए, सो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पटेल जी का और आपका दोनों का। पता नहीं है क्या होने वाला है, मैंने चल तो दिया, बहुत उल्टा पुल्टा चेस। वाह, पॉन को बचाने की पूरी, ये मेरा ही आइडिया है, मैं ऐसे बहुत पॉन बचाता हूँ, बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये मेरा B6 का स्क्वायर वीक नहीं है जो कि बाकी प्लेयर्स का होता है, तो इन्हें काफ़ी दिक्कत होगी। और मैं चाहता तो इस पॉन को डायरेक्टली भी मार सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराना ट्रिक है ये। तो पहले मैं अपन लोग सोच लेते हैं थोड़ा सा क्या और अच्छा हो सकता है। सीधे ज़्यादा परेशान नहीं, देखिए इस चक्कर में हमारे 15-20 वो चले गए, बैड स्पोर्टमैन स्पिरिट की बात नहीं है यहाँ पे, सभी को खिलाना था सानी जी, तो एक आध मूव वापस देने में मुझे कुछ नहीं, फिर भी आपने तो टाइम वेस्ट कर ही दिया, मैं सोचा था कि आप जल्दी से रिज़ाइन कर देंगे, सो वो तो हमारा गोल ही फुलफिल नहीं हुआ, जो गोल हम फुलफिल कराना चाहते थे वो गोल ही फुलफिल नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कि मैं तो फिर वही काम करूँ, चेस वाले ही फंडा करते हैं हम पहले।
आप दोबारा चैलेंज कर लीजिएगा। एक तो आप लोगों के साथ में कितने सारे गेम यूं ही खेल लेता हूँ, फिर भी आप लोग जो है परेशान होते रहते हैं। रोज के रोज मैं ढेरों गेम खेलता हूँ आप लोग, जब भी मुझे 5-10 मिनट मिलते हैं मैं एक गेम पे खेल लेता हूँ, फिर आप लोग जो है संतुष्ट नहीं होते। लगभग लगभग सभी पीसेस निकल गए हैं और मुझे लग रहा है कि अब हमारी पोजीशन काफी प्रेशर डाल दें, ये कैसे बचेगा पता नहीं है। एक मिनट सोचते हैं कि प्रेशर कैसे डाला जाए। 3-2 पास जैक अगर हम दे दें, ओ माय गॉड मेरे पास बहुत कम। चलिए हटाइए, बोली खेल टाइम बहुत कम बचा है, मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, मर ही गया ये। अरे चेकमेटी हो गई, ए थैंक यू, अच्छी जगह चला आपने किंग जेनम। हाँ आपके साथ भी खेलेंगे, और कौन अर्नव भी आ गए हैं का, बहुत अच्छी बात है। जेनम के साथ हम पहले खेलेंगे। किस रेट देखिए आ गए हैं, और इन्होंने इनका चैलेंज सबसे ऊपर आ गया पता नहीं कैसे। ऐसा नहीं करना है, हम देखते हैं कि कौन पहले आया है तो उनके साथ ही पहले ट्राई करते हैं। तेरे जन्म जी जल्दी चलिए, और कौन कौन है लिस्ट में ये देख लेते हैं जब तक। अर्नव आ गए हैं, लुकेश, लुकेश आपके साथ दोबारा जरूर खेलेंगे। राज पटेल जी भी आ गए हैं, अक्षत भी आ गए हैं, तो सभी के साथ, ये सभी अच्छे प्लेयर हैं, अभी स्टेट लेवल में कम्पीट कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अरे सानी जी आप दोबारा चैलेंज कर लीजिएगा। रिद्धि ठक्कर जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये किस तो आप ही हैं रिद्धि ठक्कर जी, ये याद आ गया, बड़ा ही खतरनाक खेले थे भाई आप तो उस दिन, ये जो है बिल्कुल परेशान कर दिया था। एक भी मूव इधर उधर नहीं चली, और इतनी फास्ट, मुझे बहुत ही सरप्राइजिंगली लग रहा था कि भाई इतने कम रेटिंग वाले प्लेयर जो है इतना जबरदस्त कैसे खेल, ज्यादा ही जबरदस्त था वो। सेंटर काउंटर, जैसा कि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, 96 में मैंने इसे खेलना शुरू किया था नेशनल सब जूनियर में, जब मैं खेलने गया था। काफी सारे मैचेस हारने के बाद मैं बहुत हो गया था, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। कि मेरी वॉइस एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। E4 फाइनली इन्होंने चल दिया है, एनी एन कैन प्रकार चल दिया है। चलिए तो पिन कर लेते हैं। ओके तो मुझे आगे लग रहा है जो कुछ ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, नहीं था। ओ माय गॉड मेरे पास टाइम पे ध्यान ही नहीं दे पाता, टाइम पर मेरा ध्यान जो है थोड़ा मिस। पर ध्यान मेरा थोड़ा मिस, देखिए टाइम ही अप हो गया इतना करने के बाद भी। वेरी गुड जैनम जी, वैसे पोजीशन ये गड़बड़ हो गई थी, बट मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। ये हो गए, अक्षत के साथ खेल लेते हैं। एलेक्स ब्लेज भी आ गए हैं, काफ़ी सारे लोग अब चैलेंज कर रहे हैं। सेंटर कंट्रोल भी आ गए हैं, वाह वेरी गुड। मयूरेश देसाई जी के साथ हमारा गेम नहीं हो पाया लगता है, ये चले गए थे लगता है, ये बहुत इंतजार कर करके। तो पहले अक्षत के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि इनका हमने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया था बट वो गड़बड़ हो गया था। मयूरेश जैन जी आप भी बने रहिए, आपके साथ भी अब हम खेलेंगे। चलिए अक्षत, अच्छा सेंटर कंट्रोल, अरे ये काव्यन है, वेरी गुड काव्यन, आपके साथ भी खेलेंगे जरूर। और ये तो मुझे लग रहा है बिशप F4 लाइन खेलेंगे, क्योंकि तो इनके ग्रुप के सभी बच्चे वही खेलते रहते हैं, बट इन्होंने E3 खेला। चलिए कोई बात नहीं,
ये भी अच्छी लाइन है। अक्षत महोबिया जी हैं ये, और काफी अच्छा खेलते हैं ये। भाईपुर के बच्चे अभी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और अच्छा लग रहा है देख के। देखो कर देते हैं E4, ठीक बचा सकते E4 करके, कैसल तो कर लें, कुछ भी करने के पहले कैसल जरूर कर लेना। उन्होंने अच्छी मूवी खेली है, नाइट सी के पहले हमेशा ऐसा कर लेना चाहिए। लेट मी कैलकुलेट है क्या हुआ, क्यों रिजाइन नहीं है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया, कुछ लगता है इन्हें। तो आप लोग बने रहिए, और जो भी नए आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काव्यन आपके साथ भी खेलते हैं, किशन सेजपाल जी के साथ तो हमने खेल लिए, ये कौन है आपके ये तो बताइए। चलिए लगभग लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। देखिए मयूरेश देसाई जी, अगर आप चाल नहीं चलेंगे थोड़ी देर में तो फिर हमें किसी और का चैलेंज लेना पड़ेगा। फॉर्चून बेकर नेक्स्ट, आपका आईडी क्या है फॉर्चून बेकर जी ये तो बताइए, तब हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे। फॉर्चून बेकर, व्हाट इज योर आईडी, टेल मी। मयूरेश जी नहीं चल रहे हैं, इतनी देर वेट करना ठीक नहीं रहेगा, इन्हें बाद में फिर एक्सेप्ट करेंगे। कौन है और, चलिए अर्नब के साथ खेल लेते हैं, ये भी बेचारे बहुत देर इंतजार करते हैं, सुबह से ही हमसे पूछ रहे थे सर कब होगा कब होगा। और इसके बाद कौन कौन बचा हुआ है, शमीम चतुर्वेदी जी, अरे आप तो हमसे कुछ कुछ पूछते रहते हैं, आपका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। कब हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्लूलेस क्लाउन, भाई क्लूलेस क्यों है। अर्नब जी साथ खेल लेते हैं, कुछ मेरे ख्याल से दिक्कत हुई है क्या, लाइव स्ट्रीम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा एक बार बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि लाइव स्ट्रीम चल रहा है, कभी तो नेटवर्क का इश्यू आ गया लगता है। गेम तो कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्या थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। नेटवर्क तो प्रॉपर दिख रहा है, ओके ओके ओके, ओके। नेटवर्क ही सही नहीं है इसीलिए शायद ऐसा हो रहा था। चलिए अब मुझे लग रहा है कि नेटवर्क मिल जाएगा, नेटवर्क की थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, हमारा जो है नेटवर्क फिर चला गया था, तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इंजॉय करते रहिए। लगभग लगभग 1 घंटा तो हमें हो ही गया है खेलते हुए, और हम खेलेंगे अभी थोड़ी देर और। मैं देख नहीं पाया इनके, इसमें सोचने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है इनके इसमें। अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में सही हो जाएगा, लाइव सही नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा ये, नॉट टू वरी, क्योंकि नेटवर्क की परेशानी आ गई थी। अभी नेटवर्क ठीक है, अभी नेटवर्क एकदम ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अक्षत
अक्षत एक मिनट में देखता हूं ये कैसे सही हो पाएगा। पर नेटवर्क इशू आ गया है लगता है, देखते हैं सही हो पाएगा। राइट, रुक जाए, राइट को तो बचाई। थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों, थोड़ी देर में हम इसको सही करेंगे। चलिए वापस से सही हो गई है ये, बट टाइम बहुत कम बचा है, इसी चक्कर में खत्म करते हैं इस गेम को फटाफट। चलिए गेम फिनिश हो गया और हम लोग जीत गए हैं। चलिए आप लोगों के चैलेंज तो हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। सो आप लोग बने रहिए। किशन सेजपाल जी, मयूरेश देसाई, केप्पो, ये कुछ नए प्लेयर आए हैं तो इन्हें भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी सबके साथ तो हम रोज ही खेलते रहते हैं। आप लोग बने रहिए और जो भी नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए स्ट्रीम को। अगर थोड़ी देर में ये सही नहीं हुआ तो फिर हम कुछ देखते हैं क्या करेंगे, बट टीम हो ना हो गेम तो हम आपके साथ जरूर खेलते रहेंगे जितना हमने आपसे वादा किया है। तो अगर आप लोग बने रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं तो गेम तो हम फिनिश करेंगे क्योंकि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि भाई इतनी देर तक हमें गेम खेलना है तो हम जरूर खेलेंगे। काफ़ी तेज खेल रहे हैं भाई ये कैपो प्लेयर, कहाँ के हैं ये का तो लिखा भी नहीं है कि कहाँ के हैं, बट ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट। सब कुछ चालें भी बराबर चल रहे हैं। ऐसे ही जब कोई खेलता है तो फिर लगने लगता है पता नहीं ये कैसे इतना फास्ट कैसे खेल रहे हैं, इतना एक्यूरेट कैसे खेल रहे हैं, जबकि हमारा ही जो है टाइम जो है कम है इनसे, दिक्कत आती है। देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा ही खेल रहे हैं, अच्छा काफी अच्छा खेल रहे हैं ऐसे बोलना हो। नाइट जी फाइव मूव आ रही है, पता नहीं इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अच्छी करने से अच्छा तो लग रहा है, बट ये आपका D4 वाला पॉन जो है हो गया है सर में, मुझे लग रहा है कि इसका फायदा अपने को मिल सकता है। फोर वाला पॉन आइसोलेट अब सर में इसका फायदा मिलना चाहिए। चलिए मेरे ख्याल से वॉइस सही आ रही होगी, अगर आप लोगों को थोड़ी देर में कुछ सुनाई दे तो जरूर मुझे बता दीजिएगा क्योंकि अब काफ़ी लेट हो रहा है यहाँ पे और वहाँ पे स्ट्रीम में। ऐसे आ जाए थोड़ी वीक, मैं रुक्स गेट चलने का प्लानिंग बना रहा था बट दोबारा
ट्राई करते हैं। काफी अच्छा खेल रहे हैं जो भी प्लेयर हैं ये, केपो काफी अच्छा खेल, कोई डाउट नहीं है। तो काफी बढ़िया मूव्स इन्होंने चली हैं और ये गेट भी सबसे कैप्चर कर ही ले लगाता इधर। हो सकता है अभी तक तो मुझे इक्वल टू स्लाइटली बेटर टू ब्लैक लग रही है। चलिए मेरे ख्याल से अगर आपको अभी सही दिखाई दे रहा हो तो आप लोग बने रहिएगा, टाइम बहुत कम है। सो इस गेम के बाद मैं भी एक बार चेक करता हूँ कि क्या और अच्छा हो सकता है। चेक तो दे ही देते हैं, किंग को तो आगे बुला ही लेते हैं। अभी मैं भी काफ़ी गलत चालें चल रही, बट ये सब टाइम प्रेशर में होता रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है। टाइम प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सपोर्ट तो कर ही लेते हैं कम से कम। ये नाइट बहुत अच्छा खेल, ये नाइट बहुत डिपेंड कर रहा है। बहुत अच्छा खेले हैं केपो, जो भी प्लेयर हैं अच्छा लगा मुझे इनका गेम, वेरी गुड। बना लेते हैं ताकि जो हमारा एफ सेवन वाला पॉन भी हमें बचा रहेगा। रख लेंगे हम, इधर जाने की ट्राई करते हैं, चेक दे लेते हैं, आ जाते हैं पॉन को, अब आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा प्रेशर डालते हैं इस पॉन से, फास्ट पॉन है, कुछ तो प्रेशर आएगा। देखिए आ गया, यही बात है, बहुत अच्छे खेल रहे थे केपो। चलिए और कौन कौन बचा है, नेवर मिस्टेक शमीम, टू प्लस वन दीजिए शमीम चतुर्वेदी जी। रोहांग राजू भी आ गए, रोहांग राजू के साथ खेल लेते हैं। चलिए वैसे टू प्लस वन लेना था बट ये हमारे कुछ खास हैं तो इनका थ्री प्लस जीरो भी ले लेते हैं। वेलकम रोहांग राजू जी। अरे मेरे यहाँ नेट की दिक्कत हो गई, आज बाहर मौसम थोड़ा गड़बड़ है राजू जी, बाहर मौसम बहुत गड़बड़ है। गुप्ता जी, अच्छा कपूर, गुप्ता कपूर, ओके आई रिमेम्बर, आप भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, मैं मुझे याद है आप भी काफ़ी अच्छा खेले थे यहाँ पर जब मैचेस हुए थे। कपूर गुप्ता जी मुझे याद आ गया, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा वैसे मैं पहले खेल चुका हूँ एक दो बार, अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, आगे कुछ होगा तो पता नहीं है। सब कुछ चल रहा है, हालांकि मैंने थोड़ी F5 मूव जल्दी चल दी थी, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता। कैसल कर लेते हैं, C5 करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। इन्होंने लग रहा है इनको C5 करना चाहिए था, फाइव क्यों पहले पीछे, C5 करना चाहिए था इनको, अच्छा मौका मिला था C5 करने का, क्यों उन्होंने C5 किया पता नहीं। देखिए यहाँ पर भी अटैक आ गया है इसकी वजह से, कर लेते हैं ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अटैक है।
कोई बचा लेते हैं, गड़बड़ होने वाला था। कभी कभी ऐसा टच टू प्ले हो जाता है इनके साथ। हम 3+0 खेलने में भूल गया फिर से। देखिए एक दिन और ऐसे ही हुआ था, मैं ऐसे ही खेल रहा था और गड़बड़ हो गया था। ऐसा हो जाता है कभी कभी। अगर ये नाइट F8 खेलेंगे तो हम उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं पहले क्या करना है। नाइट F4 नहीं, पर प्रेशर डालते रहेंगे जितना हम भी डाल पाएंगे। चलिए रोहांग राजू जी को एक सेक्रीफाइस दे देते। वैसे मैं कोई ऐसा पसंद नहीं था, ऐसे कैजुअल सेक्रीफाइस दे दिया, देखते हैं किंग सेंटर में है ये सोच के दे दिया। जो सेंटर में है यही सोच भाई दे दिया है ये। वैसे सेक्रीफाइस देने की कोई भी जरूरत नहीं थी, अगर हम लोग सिंपल खेलते तो भी हमारे लिए अच्छा ही होता। बट अभी देखते हैं मजा आएगा क्योंकि ये अपने पीसेस को कैसे निकालेंगे इनसे पूछते। मौका मिल गया तो चलिए कोई क्या मूव कर दिया। माय गॉड मूव तो मिस नहीं होना चाहिए थी, पर मूव ऐसे ही हो जाता है और अपोनेंट की जो चाल गलत होती है वो उसके लिए सही हो जाती है बाद में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भूला भटका रास्ता जो है वापस मिल जाता है। अतुल शर्मा जी नेवर मिस्टेक कर लो ने। अरे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, स्ट्रीम को लाइक कर लीजिए, आपका ही ले लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है नेवर बोल रहे हैं भाई कुछ का नाम है इसमें, मुझे ये बस ध्यान रखना है कि ये 3 मिनट गई है तो मैं सोचूंगा कि ये जो है ज़्यादा टाइम का है और गड़बड़ हो जाएगा। 3 मिनट का ही है ध्यान रखने वाले। एक चेक कोई बात नाइट डीप चेक आएगा छोटा सा टाइम। देखिए रोहांग के बाद जादू, ये बहुत फास्ट खेलते हैं लगता है, बहुत ही फास्ट। बट मैं तो ये चेक देने वाला था रोहांग की तैयारी कर रहा था मैं। और जैसा कहीं मैंने ऐड देखा था सारे खा जाऊंगा, वैसे ही अब मैं आपके सारे पीसेस खा जाऊंगा, भी नहीं छोड़ूंगा आप। अब आप या तो मुझे किंग दे दी, तो आपने किंग ही दे ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है रोहांग जी को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज काफ़ी काफ़ी नए नए लोग दिख रहे हैं भाई। अक्षत के साथ हमारा गेम नहीं हो पाया ना फाइनली, ये हुआ। अक्षत आपके साथ गेम खेल पाए कि नहीं? अरे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे ख्याल से अब स्ट्रीम ठीक आ रही होगी, बीच में बहुत परेशान कर रही थी। थोड़ा डिले हो रहा है लगता है अभी भी, बट ठीक है हम लोगों को थोड़ी देर और खेलना है। बहुत अच्छा पानी चाले हैं, बच्चों वाली चाले हैं। भाई आप अटैक कर लीजिए, आपको मौका मिल रहा है पहले अटैक करने का, तो याद कर लीजिए करने दीजिए। एक बहुत अच्छा गेम खेला था, खेल लेते हैं। एक्चुअली वो गेम मुझे याद नहीं आया, बहुत ही अच्छा गेम मैंने खेला था। आपका D6 पॉन तो वीक है ना चाहिए, तो बहुत ही खराब खेली। ओह माय गॉड मैं तो नहीं देख पाऊं पहले, आप मुझे दिखा दिए।
आप जिस हिसाब से खेल रहे हैं तो आपके साथ एक छोटी सी मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, देखते हैं ये क्या खेलते हैं। ट्राई कर रहा हूँ मैं, देख फंसते हैं कि नहीं फंसते, से बच गए। अगर ये क्वीन से मार से तो यहाँ से जो है इनकी कुछ टैप हो सकती है। आगे क्यों आ रहे हैं भाई, इनको तो पीछे जाना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, आगे आने से तो मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये चाल इन्होंने शायद ठीक, इन्होंने लिखा जरूर है नेवर मिस्टेक। हेलो हेलो, टैक्टिक टैक्टिक, ये क्या नाम लिखे पता नहीं है, कहाँ जाएगी पहले इनसे ये पूछते हैं, बाकी सब ठीक है। ये तो लगता नहीं है कुछ जा पा रही, मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है फ्री में, क्या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो चेकमेट हो रही है। अब ये क्या करेंगे, तो ठीक है F6 किया इन्होंने तो, मैं अब अपनी कोई हाथ थोड़ी ना रखे रहूंगा भैया, मैं तो हटा लूंगा, ये चेक भी आ रही है तो एक चेक। बहुत अच्छा काम किया आपने चेक के साथ ही बच, टाइम फैक्टर ये कर रहे हैं, लगता है कि शायद इनको मौका मिल जाए, मिल जाए कि नहीं मिल। बचना तो बहुत मुश्किल लग रहा है भैया, कोई ब्लंडर ना हुआ या मैं टाइम से नहीं हारा तो मैं बहुत आराम से, अगर ब्लंडर हो जाते हैं ये देखो इतना बड़ा नहीं हुआ। बहुत प्रेशर कर रहे हैं, टाइम का प्रेशर बहुत डाल दिया इन्होंने, बट फाइनली मैट हो गई। थैंक यू, अच्छा खेले आप। रोहंग राजू फिर से, अरे कहाँ चले गए महोबिया जी, जब मैं आपका लेने वाला था तभी आप गायब हो गए। तुम्हें शुहीम जी, शुहीम चतुर्वेदी जी, आप जो है 2+1 भेजिए, 2+0 नहीं। चलिए जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा नेटवर्क इरर हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, अभी आप एक्सेप्ट कर लेते तो नए नए प्लेयर आ रहे हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी ही हम लोग और खेलेंगे। मुझे लग रहा है हमारे सेंट्रल कंट्रोल भी चले गए पता नहीं कहाँ पे, उसके साथ भी खेलना था। सब लोग जाइए मत भाई, बने रहिए, सबको खेलने का मौका मिलेगा। अक्षत आप रहिए, अक्षत चैलेंज कीजिए, आपके साथ खेलेंगे। हाँ वेरी गुड, अक्षत आपके साथ ही खेलेंगे हम नेक्स्ट गेम। ऐसे चाल सही नहीं है मुझे पता है, फिर भी नहीं खेल, क्वीन बी चाल होती है, प्लेयर को टेस्ट करते हैं हम लोग कभी कभी, बट पास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ये तो है। या ऐसे ही खेले जैसे इनको आता है, ये पोजीशन बहुत अच्छी लगती है। क्या करना है, मार ले मारे, क्या कर पहले जब से हैं, बट ये उन्हें अच्छी नहीं, क्या कर रहा है ये सोच रहे हैं ये अटैक करेंगे हमें भी मौका, डबलिंग डबल
पता नहीं है सही होगा, कर तो दिया है, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ काम नहीं कर भाई, सबसे पहले ले लो तो हम नहीं जो है। टुक को लगाएंगे आगे, अभी अटैक जो है डिफेंस और अटैक दोनों कर ले रहा है रूक। ये कोई खास मूव लेकिन कि H6 तक भी आ जाएंगे वाला है। H6 तक भी आ जाएंगे ऐसा करते हैं। अब कैसे ये रास्ता ही कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगा नेट होगी। ड्रॉ ड्रॉ कर लें तो लगा के टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। अब नहीं बच पाएंगे ये, बहुत एडवांस हो गया। बस टाइम से टाइम से भी मारेंगे, बढ़िया रहा। और अक्षत का चैलेंज लेंगे, अक्षत बहुत देर से वेट कर रहे थे तो मैं पता नहीं क्या हो गया, तो उनका शायद कनेक्शन जो है डिस्टर्ब हो गया। चलिए तो अच्छा लग रहा है अक्षत को देख के, अक्षत वही खेल रहे हैं जो मैं खेलता, अच्छा लगता है देख के। ये वाली मूव जो है दो आजकल मुझे ट्राई कर रहे हैं, तो भी इनोवेशन क्या है तभी ये लोग जो है ट्राई कर रहे हैं बात है। एक्चुअली ऐसा ही ट्राई हो रहा है, पता नहीं कैसे एकदम सेम गेम है। अब कुछ तो है,
नया आया है लगता है। राइट जो है लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है, मुझे लगता नहीं है कि हम लोग पूरा खेल पाएंगे। वोल्टेज फ्लैक्चुएशन लगा है। अक्षत आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारे यहाँ पर, बड़ा ही डेंजर। लास्ट वाला इतना टाइम प्रेशर, इतना टाइम प्रेशर। क्या किया जाए, नाइट E5 चाल शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। आइडिया बहुत ही सिंपल है, आई वॉन्ट टू टेक दिस नाइट। नाइट को मैं हटाना चाहता हूँ ताकि एक पड़ जाए और फिर इनका किंग काफ़ी सारी चीज़ कंट्रोल में है। और देर से अक्षय कर रहे थे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आया था कि पढ़ने आए हैं, बट उन पर अटैक करने का हमारा मोटो था। चलिए अब तो बचना मुश्किल है, बेटर ये है कि आप रिजाइन करेंगे तो किसी और प्लेयर को चांस मिलेगा। अरे सुहीम जी, चतुर्वेदी जी, 2+1 कर लीजिए भाई। मधुबन मास्टर, अरे बहुत सारे नए प्लेयर देख रहे हैं भाई, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। लाइक करने तो है काफ़ी लोगों तक जाती है स्ट्रीम और सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, तो लाइक जरूर करते रहे। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही अच्छा है। रोहन जी बिल्कुल खेलेंगे, रोहन आप आ जाओ, आ जाओ आपके साथ एक और खेल लेते हैं। रोहन जी जो है हमारे वह मैनेज करते हैं यहाँ पर हमारे सर्वर को, इनको जो है हम मना नहीं कर पाएंगे, साथ खेल सकते हैं। ओपनिंग में 5 स्क्वायर का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, मालूम है उन्हें बता देता हूँ। साथ ही ये जो है कोई इस तरीके से आने वाले हैं, लास्ट गेम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्लैक को इधर क्वीन साइड में खेलना है, ब्लैक के पास पर मैं जब वहाँ पर खेलता था तो मैं चाल चली अपोनेंट नाइट सी चला की। कोई स्क्वायर तो है ही नहीं इनके पास, बहुत ही और बाद में।
गलत चेक नहीं आएगा तो आ जाएगा। गड़बड़ नहीं होगा FI नाइट वाले, हमको हमारे नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। आती है भाई भी मिल जाए तो जितने भाई हम चलो अटैक करने के। मुझे लग रहा है काफ़ी कम लोग बचे हैं भाई, और लोग आओ तब तो मज़ा आएगा। चलिए अब हम लोग अपनी स्ट्रीम एंड भी करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने कहा था कि रोहित रोहित 0012, अरे कौन है थोड़ा नाम तो बताइए। रोहित कोई बात नहीं बेटा, जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से हमें जो है 1000 के टारगेट पे पहुँचा दीजिए। हम लोग जो है 500 जस्ट क्रॉस किए हैं, तो उसके सेलिब्रेशन का भी एक टूर्नामेंट होगा जल्दी, और हम आप हमारी टीम में भी जुड़ जाइए, क्योंकि सारे मैसेजेस वहां से ही आएंगे आपको टीम। ओके आई विल ट्राई, इसके बाद मैं कोशिश करता हूं सेजपाल जी। देखिए इनका आइडिया यहां पे अटैक करने का है, बहुत ही चालाकी से जो है इन्होंने यहां पे अटैक किया है, तो चलिए एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सब जा रहा है तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही, ये लाइट डांसिंग लाइट हो रही है, डांसिंग लाइट हो रही है, वेदर बहुत गड़बड़ है, अब इनका कुछ नहीं मार लें। मैंने भी प्री मूव चल दी, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत ही स्लो खेल। आगे चल टाइम सारे पॉन कौन से नहीं, टाइम बचा ले आपको तो अलग बात। तो लास्ट ट्रिक वैसे चार पॉन भी काफी थे एक रुक के अगेंस्ट, ट्राई करना चाहिए था तो मजा आता। टाइम से हारने का ही डर है, सेफ है अभी हमारा। देखिए टाइम से हार गए, हमने मूव चला था पर मूव वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ। चलिए सो आप मधुबन मास्टर जीत गए हैं टाइम से, और यहाँ पे लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है। सो आशीष तिवारी जी अभी जुड़े हैं लगता है हमारे साथ, वाई के जोशी, अब काफ़ी नए लोग जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लास्ट गेम में खेल लेता हूँ, ये वाई के जोशी जी दिख रहे हैं तो इनके साथ लाइट बहुत गड़बड़ कर रही है, तो मुझे लगता नहीं कि हमने और आगे खेल।
लास्ट गेम, बट आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कल फिर से करेंगे। और आप लोग अपने गेम मुझे जरूर भेजिए ईमेल करके, सो हम लोग एक दिन जो है एनालिसिस करेंगे उसका। ये पता नहीं ये किसकी ओपनिंग है आजकल, कार्लसन कोच ऐसा खेला था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो आजकल तो सब लोग नकल करते रहते हैं, दिन भर का वही काम है सबका, इधर की नकल करो उधर की नकल करो। यशपाल जी आप तो गायब ही हो गए, तो मैं कैसे खेल, आप तो मुझे दिखाई नहीं दिए। यशपाल जी दिख नहीं रहे हैं, मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं, तो फॉलो करना है खुद ही फॉलो कर लेंगे, बट मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं। आप लोग गेम अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान लगाइए, ऐसा लगता है कि ये सब जो चीज़ें आप करते हैं, इससे बेटर ये है कि आप लोग अपने गेम पर ध्यान लगाइए। तो थी बेस्ट प्लेयर का काम बिना चाय के नहीं, सर काफी चाय पीते थे एकदम। तो बहुत आराम से खेल रहे हैं, बनाएंगे, टाइम थोड़ा सा कम बचा है। चलिए एक गेम और किसी के साथ ट्राई कर लेंगे हम, कौन है खिलाड़ी, कुहिम कोहित एप्पो ब्लेज, आशीष तिवारी जी के साथ हम नहीं खेले हैं, तो इनके साथ जो सेंटर कंट्रोल भी आ गए, वाह हमारे सेंटर कंट्रोल वापस आ गए हैं, तेजपाल जी हैं ये, बहुत अच्छे लड़के हैं, आउट नहीं। अरे करके बचाना चाहिए, कौन जो अब थे वो तो हमारा चला ही गया, तो ये अब हमको डराएंगे धमकाएंगे सो अलग। ये चल दूंगा अभी मैं, वो चल दूंगा, बातों बातों में गड़बड़ हो गया। जोशी जी आपको मौका मिल गया, नेक्स्ट टाइम जो है आप तैयार रहिए, और नेक्स्ट टाइम खेलेंगे हम आपके साथ, तब आएगा मज़ा। अटैक करें तो कोई आने वाला तैयारी से लगता है, एक भी दे एक दे लो, मैं अच्छा नहीं खेला जितना अच्छा मुझे चाहिए, काफी खराब खेला है मैंने। खराब मैं खेलता नहीं हूं, कौन कोई इधर से प्रेशर बनाता,